दोस्तों नमस्कार। नमस्ते मैम। देखिए हम घूमते घुमाते हुए कहाँ पहुँच गए और आज अपनी दोस्त को भी ले आई मैं। संतोष क्या मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। बहुत अच्छा लग रहा है इन प्राकृतिक दृश्यों को देखकर। कितना सुंदर खेत है मैम, कितना सुंदर खेत है, कितने अच्छे अच्छे पौधे यहाँ लगे हुए हैं। आम का मैडम, नीम का, अरे वाह मैडम, वो तो चीकू भी लगे हैं। दोस्तों आज आपको सारी जगह घुमाएंगे, पहले आप हमारी दोस्त से मिलने में बहुत ही अच्छी दोस्त है मेरी जी, अच्छी तो होंगी ही। संतोष जी, जी तो आप मेरे स्कूल में टीचर हैं, बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाती हैं। और चलिए, इनकी बहुत सी खासियतें हैं, इनकी खासियत दोस्तों इतनी है, मैं सुबह से अगर गिनाने लगूं तो वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ज्यादा तारीफ मत करिए मैम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो तो मैडम, अपन को समय समय पर प्यार भी बच्चों को देना जरूरी होता है। प्यार की भाषा बच्चे जल्दी समझते हैं मैम। बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चों को समझाना है तो दोस्तों प्यार से ही समझाया जाता है। चलिए अब इनसे एक प्यारा सा गीत जो सुन लेते हैं, आप सुनाएंगे मैडम? अरे मैम मुझे तो, चलो ठीक है, आप इतना कह रही हो तो कोशिश करती हूँ मैं। मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। बहुत सुंदर, बहुत ही मीठा सा, बड़ा ही प्यारा सा गीत मेरी अपनी सखी ने, संतोष जी ने सुनाया। दोस्तों आप बहुत अच्छे अच्छे भजन, जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय के अंदर होता है तो बच्चों को सुनाती है, और बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट वैसे ही काफ़ी गूंज उठती है जैसे ही आप स्टेज पर कुछ बोलने के लिए आते हैं जी। दोस्तों तो ऐसी सखी को मिलाने के साथ साथ मैंने कहा कि चलिए आज आपको इस प्रकृति के बीच में ले चलते हैं और साथ ही दिखा देते हैं कि इस खेत में जहां हम आए हैं दोस्तों उगा है क्या। सबसे पहले तो इन फूलों से मिला दे दोस्तों जी। फ्लावर्स देखिए कितने सुंदर हैं, वास्तव में मधुबन खुशबू देता है, यूं ही थोड़ी ना गाया है। हकीकत में हर मधुबन की अपनी खुशबू होती है, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, उसका अपना महत्व होता है। दोस्तों यहाँ आए हैं हम इन भाई साहब के और बहन जी के घर पर जी, ऐसे घूमते घुमाते आ गए, कुछ फक्कड़ से प्रवृत्ति के हैं, कुछ ऐसे ही बस कहीं भी जाना थोड़ा सा अच्छा लगता है। कहीं भी क्या कोई जाता है, सवाल ही नहीं उठता दोस्तों, जहां अपनापन होता है वही जगह तो हमें खींचती है जी। हाँ हम एक दो बार ऐसे ही आए और इन लोगों ने हमें बड़ा प्यार और स्नेह दिया और तब से बस हम लोगों की थोड़ी दोस्ती हो गई और ऐसे ही आ जाते हैं। ये देखिए ये बहन जी हमें बाहर बैठा कर क्या करने लगी है जी। दोस्तों देखिए ये बना रही है हमारे लिए मक्की की रोटी, कितने प्यार से हमें बैठाया, क्या बैठो बहन जी अभी थोड़ी देर में आती हूँ, और इतने में मक्की की रोटियाँ हमें बना करके खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। और कैसी फूल रही है मक्की की रोटी देखिए, इसको कहते हैं गांव वालों का प्यार, कहीं देखने को मिलेगा शहरों में? देखो चाहे तो शहरों में कई जने पिला देते हैं, लेकिन मक्की की रोटी का आटा लगाना और वो भी चूल्हे पर सेकना, और देखो ये बिल्ली भी तो प्यार की भाषा समझी है, तभी तो कैसे प्यार से चुपके से बैठी है यहाँ इनके बीच में। तो दोस्तों ये जो प्यार है ना, उसके भूखे हैं सब इंसान, कोई किसी को कुछ बहुत ज्यादा देता लेता नहीं है, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो कम ही जगह पर देखने को मिलती है। ये देखो इन्होंने अब बहुत अच्छी गार्डनिंग भी कर रखी है दोस्तों जी, बहुत अच्छी गार्डनिंग भी कर रखी है। ये देखो ये पेड़ पौधे हैं, ये इन्होंने अपने लाए के गेहूं उगा रखे हैं, गेहूं उगा रखे हैं और उगा रखे हैं इस तरह के फ्लावर्स। आप सुनते जाइए इनकी, देखिए
हाँ कितनी मनोहार करते हैं। ये जो प्यार है वो गांव में ही आपको देखने को मिलेगा। और काफी अच्छा सा बड़ा फार्म है, बस रहते सादगी के साथ हैं, सीधे सादे हैं, सादगी पसंद है और सादगी के साथ रहते हैं दोस्तों। तो गांव के अंदर देखिए ये चीकू का पेड़ है और चीकू के अंदर चीकू लगे हैं। इन्होंने हमें तोड़कर भी कुछ एक चीकू दिए हैं दोस्तों। तो इतना प्यार और इतनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो लोग रहते हैं वो खुश रहते हैं। हम भी ईश्वर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल खुश रखे, सदैव प्रसन्न रहे, सदैव खुश रहे। देखिए तभी तो इनके यही तो स्वास्थ्य का राज है। हाँ। कि सारे खेत को मैंने खुद अकेले ही कर लेते हैं। ये देखो गुलाब के फूल, कहीं धनिया लगा रखा है, कहीं पुदीना लगा रखा है, कहीं लहसुन लगा रखा है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ बढ़िया लगी होगी। और साथ ही कैसा लगा ये फार्म पर आज का घूमना घुमाना? भाई काफी बड़ा है, चलिए थोड़ा सा और घुमा देते हैं आपको, क्योंकि मेरे पास में तो अब बस यही कमेंट आते हैं कि आप इसी तरह से खेतों में हमें घुमाते रहिए, हमें भी बड़ा मजा आ रहा है। बाल सफेद हो गए हैं, बस थोड़ी फुर्सत ही नहीं मिल रही। कैसे मिले? रेडियो पर जाना होता है, स्कूल जाना होता है, इस तरह से फिर खेतों में भी आना होता है। और अब तो संडे भी गया, वैक्सीनेशन में ड्यूटी लग जाती है दोस्तों। बस ठीक है, जय हिंद जय भारत। अब चाहती हूँ इजाजत।